Hola and assalamu alaikum everybody, you're tuning in to Girls Republic ARY Music. Why well, oh, you only live once. And yes, we are going live. Live call कर सकते हैं नंबर ज़्यादा भी स्पीड पर है. उसके साथ साथ कोई भी आपको feedback देना दे सकते हैं facebook.com/djhinalta पे जाके. And you can also give your feedback on Twitter, that is twitter.com/hinaltakhan. I hope you भूल नहीं रही. But आज का topic बड़ा मज़े का topic है. आज हम discuss कर रहे थे मैं और हमारी major cameraman है सलमान, हम discuss कर रहे थे कि यार शादियों में होने आजकल शादियों का सीजन बड़ा चल रहा है और मेरे इतने सारे दोस्तों की यार किसी की मंगनी हो गई, किसी का निकाह हो गया, किसी की शादी हो गई, तो शादी का सीजन आजकल बड़ा पीक पर है. तो जब आप शादी में जाते हैं तो वहाँ पर यू नो आपको अपने रिश्तेदार मिल जाते हैं. अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आपकी अम्मी फोर्स कर रही होती हैं, चलो 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 बेटा पिक्चर खिंचवानी दुल्हन दूल्हा के साथ. कभी कभार जब आप शादी में बैठे हुए होते हैं तो वो कैमरामैन आ जाता है और वो आपकी मूवीज़ बना रहा होता है आगे शादी की और वेडिंग की. जब खाना खा रहे होते हैं तो वो मूवी वाला आ जाता है, कहते हैं यार ये क्या और है. अच्छा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वेडिंग्स में क्या क्या बनता है वो दिखाना कि यू नो देखो हम कितना सारा खाना खा रहे हैं. क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या जो है दिखाना ज़रूरी है कि देखो हमने खाना रखा था या नहीं रखा था, या ये दिखाना होता है लोगों को. तो आज की जो हमारी आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेडिंग मेमोरीज. कोई भी ऐसी फ़नी चीज़ जो आपकी किसी शादी में हुई हो. मुझे पता है कि मेरी जितनी भी व्यूअर्स हैं गर्ल्स रिपब्लिक की, उनकी अपनी खुद की शादियाँ नहीं हुई होंगी, लेकिन कोई भी ऐसी फ़नी मेमोरी जो आपने किसी की शादी में देखी हो या आपकी किसी रिश्तेदार की शादी में हुई हो, या कुछ होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं उनको जाना किसी हॉल में होता है, हॉल का नाम लिखा होता है, हॉल ए और हॉल बी होता है, हॉल ए में जाना होता है हॉल बी में चले जाते हैं, हॉल बी में जाना होता है हॉल ए में चले जाते हैं, तो इस किस्म के मिसहैप्स हो जाते हैं. और हमेशा जो है काफ़ी सारे लोग कॉन्शियस होते हैं कि यार शादी में अच्छा लगना है, अच्छा नहीं लगेंगे तो यू नो जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट लगना है शादी में. काफ़ी सारे लोगों का ये भी होता है. और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जैसे कि मैंने कहा वो चिढ़ते हैं यू नो कि यार क्या है दुल्हन दूल्हा के साथ के पिक्चर खिंचवानी है, और बड़ा ज़रूरी है दुल्हन दूल्हा के साथ के पिक्चर खिंचवाना. सो यस, वी आर गोइंग लाइव एंड आप जाके फीडबैक पोस्ट कर सकते हैं facebook.com/djhinalta पे जाके. हम जल्दी से कॉल ले लेते हैं. हेलो हेलो, शामको मेरा आपी. वालेकुम अस्सलाम हुरमत, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुरमत. जल्दी से बताओ कोई मजे की वेडिंग मेमोरी. मजे की वेडिंग मेमोरी ये कि मैं अपनी कजिन की शादी में हॉल में एंटर होते हुए गिर गई थी. गिर गई थी? हाँ गिर गई थी. और फिर सबने मजाक तो नहीं उड़ाया? और मैं ना जब गई थी ना तो मैं गिर के ना जैसे वो नहीं होती अनारकली वाली वो जो डांस करती, वो उनकी तरह सबको ना देख रही थी. कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मेरे ऊपर हंस तो नहीं रहा, पर सब मुझे देख रहे थे. लेकिन आई एम श्योर किसी ने मजाक. अच्छा पता है अगर आप गिर जाओ कॉन्फिडेंस के साथ उठो ना तो कोई आपको कोई कुछ नहीं कहता. नहीं मैं खुद अच्छी थी ना तो फिर किसी ने मजाक उड़ाया था, पर बाद में सबने घर पे जब दावत वगैरह थी तो फिर बाद में सबने मजाक उड़ाया था मेरा. और फिर तुमने सब कोपअप कैसे किया? मेरे वोकअप कुछ नहीं किया, मैं रोने लग गई थी. रोने लगी थी? हुरमत यार मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम्हारे ऐसी लड़की रोएगी. नहीं मैं रो जाती हूँ, मुझे कुछ भी मैं छोटी छोटी बातों पे रो जाती हूँ. मैं इतना वो नहीं होती, शो नहीं करती कि मैं मतलब कि वो खुद वो छुपके से रोने लग जाती हूँ. कभी बाथरूम में जाके रोने लग जाऊंगी, कभी कुछ छोटे ऐसी कोई जगह होती है छुपने की वहाँ पे जाके रोने लग जाऊंगी, स्टोर रूम में जाके रोने लग जाऊंगी, पर किसी को इतना शो नहीं करती कि मैं रो कर आई हूँ. और हुरमत मुझे तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम्हें बहुत गंदा वाला जो है वो नजला खांसी हो रहा है. बहुत ज्यादा है ना, तुम्हारी आवाज से मुझे पता लग रहा है जिससे तुम्हारी आवाज बैठी हुई है. लेकिन हुरमत मैं तुम्हारे जैसी लड़की से एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम रोगी, क्योंकि तुम ऐसी हो जो सबको तंग करती हो और तुम बहुत बबली हो एंड यू सीम लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल. ठीक है, तो हमेशा ऐसी ही रहना. हाँ इंशाल्लाह ऐसी रहूंगी. मैं चुलबुली भी हूँ बहुत, पर कभी कभार अब ऐसा थोड़ी ना कि मेरा दिल नहीं है, मुझे कभी कभार बात बुरी लग जाती है. लेकिन मुझे तुम्हारी अच्छी चीज ये लगी कि तुम लोगों के सामने नहीं रोती. हाँ मैं लोगों के सामने नहीं रोती, मैं छुप कर रोती हूँ. वेरी गुड, चलो छुप के जितना रोना रो लिया करो लेकिन लोगों के सामने रोना नो. अच्छा हुरमत उसके अलावा मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी शादी है जिनमें जाने का तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम कहती हो यार मुझे नहीं जाना.
मेरे पड़ोसियों की। ओहो, आप किसी को जानते ही नहीं है ना? मैं किसी को नहीं जानती। आप बस जाते हैं और आप इंतजार कर रहे होते हैं कि यार खाना वाना खुले तो खाकर आ जाएंगे। जिस बंदे ने मेरा नाम रखा है मैं उसकी शादी में कहीं जाना नहीं पसंद करती। और आपको पता है आपने अभी शादियों वाला टॉपिक किया तो मुझे थ्री इडियट्स वाला सीन याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? थ्री इडियट्स वाला सीन, जब आमिर खान और फरहान वगैरह ये लोग सब जाते हैं, वो लोग एकदम से शादी में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो खूब सारा खाना खा के आए। ओहो, हाँ मुझे भी याद आ गया, बहुत फनी सीन था वो। थैंक यू सो फॉर कॉलिंग इन। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज़। एंड गेट वेल सून, अल्लाह हाफिज़। ये थी हुरमत और अभी जाएंगे छोटे से सॉन्ग ब्रेक की तरफ और आपका फीडबैक भी पढ़ेंगे। कहीं मजा आइए, देखते रहिए, बताइए कि आपकी फनी वेडिंग मेमोरीज क्या है। कोई ऐसी मजे का वाकया जो किसी की शादी में हुआ हो, जहाँ पे किसी ने बड़े ने कहा हो आपका मूड खराब हो गया। एक मुझे एक याद आ रहा है, बड़े एक मजे का वेडिंग मेमोरी मुझे याद आ रही है, लेकिन वो वेडिंग तो नहीं थी, वो मेहंदी थी, उसके बारे में जरूर शेयर करूंगी। अभी जा रहे हैं सॉन्ग ब्रेक की तरह, कहीं मजा आइए, स्टिक अराउंड ओनली ऑन ARY म्यूजिक। वेलकम बैक, यू वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक। एंड यस, आप लोग मैसेजेस पढ़ लेते हैं। जैजी लिखते हैं वेलकम, सारा शाह लिखती हैं हेलो हिन्नू, जुरेज आफ्ताब लिखते हैं यू आर लुकिंग वेरी नाइस, दिस हेयर स्टाइल सूट्स यू अलॉट, युसरा निजामानी खालिद लिखती हैं हेलो हिना आई लव यू, हाउ आर यू, आई लव यू टू एंड आई एम गुड। आसिफ लिखते हैं लगता है आज आप भी शादी से होकर आई हैं। यार मैं शादी से होकर तो नहीं आई, लेकिन मैंने रिसेंटली अपनी एक दोस्त की मेहंदी अटेंड की थी और मज़ा आया, इट वॉज फन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजा रियाज लिखती है हेलो हिना हाउ आर यू, आई एम गुड फिजा, आप कैसी हैं। फिरोज खान लिखते हैं हेलो हिना हाउ आर यू टुडे, यू लुकिंग वेरी गुड, थैंक यू। नंदी एलिस ने लिखा है यू लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू। एमन नवाज लिखती है हेलो हिना हाउ आर यू, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग ऑन द स्विंग। बस एमन आपकी फरमाइश पे अगले लिंक में मैं स्विंग पे बैठ जाऊंगी, ठीक है। नुमा खान लिखते हैं हेलो हिना हाउ आर यू, एक्चुअली मेरा दिल नहीं कर रहा स्विंग पे बैठने का, इस वजह से मैं नहीं बैठ रही। आई वॉन्ट टू बी एक्टिव, यू नो आई वॉन्ट, मैं चलूँ फिरूँ सारी चीज़ें करूँ, स्विंग पे आके बैठ जाऊँगी ना तो आई बी बिट यू नो ड्राउजी एंड आई ड्रेन एंड एवरी थिंग्स। आई जस्ट वॉन्ट यू नो कि मैं चलूँ फिरूँ, लेकिन यार एक बात है कि जो झूला है वो मेरा झूला है एंड झूला इज़ माई ट्रेडमार्क एंड आई नो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई झूला। और ये बड़े मजे की बात बताऊँ, अगर कोई मेरे झूले पे बैठा हुआ भी होता है ना और मैं यहाँ से चल के आती हूँ अपने स्टूडियो में, तो कोई भी मेरे झूले पे बैठा हो सब फौरन उड़े आते हैं अपनी जगहों से। सो यस, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मी एंड माय झूला वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द स्टूडियो। बट यस, आप लोग के मैसेजेस पढ़ेंगे एंड उसके अलावा और भी मैसेजेस आ चुके हैं। मशाल लिखनी है ना, उसके अलावा आप लोग जाके ट्विटर पे जाके भी जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी मजे की वेडिंग मेमोरी जो आपको याद हो। आई डोंट नो ये चीज़ मैंने आपसे शेयर की है या नहीं की है, मैं बड़ी छोटी सी थी और मैं मेहंदी एक मेहंदी में गई थी, अपनी कज़न की मेहंदी में गई थी और वहाँ पे मेरी कज़न बैठी हुई थी जो कि साड़ी पहनी हुई थी और मेरे हाथ में ना पूरी छोले जो होते हैं जो मेहंदी में खा रहे होते हैं वो, तो मैं बड़ी छोटी थी, आई वॉज इन माई स्कूल एंड इन विच क्लास वो मुझे याद नहीं है। तो मैं बैठी हुई थी और मेरे हाथ में प्लेट थी और मैं इधर देखने लग गई थी और वो प्लेट टेढ़ी हो गई मेरे हाथ से और जितना भी छोला था ना वो मेरी दोस्त की साड़ी पे आगे गिर गया। और फिर उसने बोला, उसने यूं करके देखा, उसने कहा मैं तभी बोलूं कि मेरी साड़ी जो है नीचे की तरफ क्यों खींची आ रही है, क्योंकि छोले जब लगते हैं तो एक वेट होता है छोले का यार। तो वो जाहिर सी बात उनकी साड़ी बड़ी रेशमी सी थी, तो कहती ये क्या, और वो नीचे दीदी उनकी पूरी साड़ी पे मेरे कारनामे की जो है वो दाग थे और वो छोले छोले उनकी साड़ी पे थी। मेरी अम्मी ने कहा शुक्र करो उसने कुछ कहा नहीं, कोई और होती है लड़की तो मैं थप्पड़ लगा देती एक। मैंने कहा अम्मी अब मुझे क्या पता था कि छोले की प्लेट उनकी साड़ी में गिर जाएगी। लेकिन आई वॉज रियली आई एम रियली थैंकफुल टू माई कज़न यार, वो मुझसे बहुत बड़ी थी और उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं था, क्योंकि शायद उनको पता होगा कि यार बच्ची है, अब उसे इंटेंशनली तो नहीं किया होगा। मेरे हाथ में इधर प्लेट थी और मैं कहीं और देखने लग गई थी और सारे छोले किसी की साड़ी पे गिर गए थे। और लड़कियां जो होती हैं वो बड़ी कंसर्न होती हैं भाई अपनी साड़ियों के मामले में, बड़ी कंसर्न होती है अपने कपड़ों के बारे में। और मैंने एक खातून की पूरे छोले में जो है वो साड़ी जो है वो कर दी और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। हो जाता है कोई बात नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कभी कभार जब शादी मैं वन से रबलू मून जब जाती थी जब छोटी थी, तो जब सब खाना वाना खा लेते हैं ना तो मेरी अम्मी कहती हैं चलो पिक्चर खिंचवानी, मैं कहती थी अम्मी मतलब दुल्हन दूल्हा को कोई कंसर्न नहीं है कि उनको किसी से पिक्चर खिंचवानी है या नहीं खिंचवानी है, क्यों खिंचवानी, हम घर चलते हैं ना, हमने खाना खा लिया।
मेरी मम्मी कहती है बदतमीजी होती है, चलो पिक्चर खिंचवाओ। मैंने कहा ना फोटोग्राफर को इंटरेस्ट है, ना किसी और को इंटरेस्ट है, और ना इनके घर वाले को इंटरेस्ट होता है, उनको फॉर्मेलिटी के तौर पर सबको बुलाना होता है कि आए आए पिक्चर ले लें, आए आए पिक्चर ले लें। तो मैं बोलती थी मैं नहीं जा रही और ना मुझे नहीं जाना। तो जब मैं छोटी सी होती थी ना तो मुझे बैठना पड़ता था, वो ग्रुप फोटो होती ना सारे घर वालों के साथ होती है, बैठो और फिर दुल्हन को देखो और अजीब अजीब से। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी होने लगी तो मेरी अम्मी को पता था कि ये लड़की तो सुनेगी नहीं मेरी बात, तो मेरी अम्मी खुद जाके अकेले बैठ के ना पिक्चर विक्चर खिंचवा के दुल्हन की रस्म करके मेरी अम्मी नीचे आ जाती थी और मेरे सारे रिश्तेदार जो है बोलते थे कि तुम्हारी बेटी तो स्टेज पे आना ही नहीं चाहती कभी, वो तो स्टेज पे आना ही नहीं चाहती। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और स्टेज पे जो खड़े होते हैं स्टेज से तो व्यू भी बहुत डिफरेंट लगता है हॉल का, सारे लोग बैठे हुए होते हैं एंड आई डोंट नो, मुझे लगता है कि लोग लीस्ट कंसर्न होते हैं दूल्हा दुल्हन के बारे में, वो सिर्फ कंसर्न होते हैं कि यार 10 बज गए, खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम नहीं हुआ है। इनफैक्ट इतनी कितनी सारी वीडियोज़ हैं जो आप देखेंगे अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे जाके, तो इतनी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं कि बीच में पूरी टेबल लगी हुई है खाने की और जैसे ही वो उठा के उन्होंने रखे हैं वहाँ पे वो जो ऊपर का उनका एक कवर होता है और ऐसी आवाज भागती है खाने की तरफ जैसे आज आखिरी दफा खाना मिला है। और एक और चीज़, एक और बड़े मज़े की चीज़ है जो कि मुझे बड़े मज़े का एक मैसेज याद आया है जो कि मैं आपको शेयर करूंगी इस सॉन्ग ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते हैं ये गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक। Welcome back. You're watching Ghost Republic ARY Music. Message कर सकते हैं facebook.com/pjnaltap पे जाके एंड ट्विटर पे जाके भी जो है आप लोगों ने मैसेजेस दे सकते हैं twitter.com/pjnaltapkhan। और आज का जो हमारा शो है दैट इज ऑल अबाउट वेडिंग मेमोरीज। आपको कोई अपनी वेडिंग मेमोरी याद हो कि आप किसी शादी में गए, आपको याद हो कि यार ये हुआ था शादी में, वो हुआ था शादी में, बड़ा अजीब सा सीन हो गया था। अच्छा जी, हमारे हैं कैमरामैन सलमान और सलमान हमारे टीम मेंबर हैं और कल मैं इनको विश नहीं कर पाई थी, लेकिन आपको बताते चलते हैं कि सलमान जो है उनकी कल यानी कि 14th of January को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसके साथ साथ उनकी जो बेटी हैं उनकी बर्थडे भी थी। सो यस, हैप्पी एनिवर्सरी टू सलमान एंड सॉरी अपोलॉजी मेरी तरफ से कि मैं कल के शो में भूल, इनकी बेटी की भी बर्थडे है। Yes, happy birthday. And उसके अलावा मजे की बात यह है कि इनकी एनिवर्सरी और इनकी बेटी की बर्थडे दोनों एक ही दिन आती है जो कि 14th of January। एंड आई थिंक आपकी बेटी जो है वो कैप्रिकॉर्न है, इनकी बेटी कैप्रिकॉर्न है, मैं भी कैप्रिकॉर्न हूँ क्योंकि मेरी 2nd January को बर्थडे पड़ रही होती है। सो यस, आई थिंक दैट इज दैट। और हमें बड़ा जरूरी होता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को भी विश करें क्योंकि हमारे टीम मेंबर्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जिस तरह कोई और हमारा फैमिली मेंबर हो, क्योंकि हम अपने जिस तरह घर पे वक्त गुजारते हैं उसी तरह हम टीम के साथ वक्त गुजारते हैं, खाना साथ खा रहे होते हैं, इतने इतने घंटे साथ गुजार रहे होते हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि हम बिल्कुल वही जो है वो माहौल भी रखें, सारा एनवायरनमेंट रखें। यस, हैप्पी एनिवर्सरी टू सलमान एंड हैप्पी बर्थडे टू हिज डॉटर। उसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जी वेडिंग मेमोरीज जो होती हैं, वेडिंग मेमोरीज के बारे में आपको बताना है कि कोई एक वेडिंग मेमोरीज आपको याद हो और आप हंस हंस के जो है बोलें कि यार ये क्या है। अच्छा, एक मैसेज के बारे में मैं कह रही थी कि एक मैसेज मुझे याद है जो कि मेरे पास आया था। वो मैसेज ये है कि मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था कि वो कौन सा वक्त है जब बाप बेटे का नहीं, माँ बेटी की नहीं और कोई किसी का नहीं होता, तो डॉट 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 नीचे लिखा होता है जब शादी में खाना खुलता है। तो आई थिंक ये काफी हद तक सच बात है। एक कॉल लेते हैं जल्दी से। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? जी मैं रुमैसा, क्या हाल है? रुमैसा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, हिना आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रुमैसा, ये जो स्टेटमेंट बोली जाती है कि वो वक्त है जो बाप बेटे का नहीं होता और माँ जो होती है बेटी की नहीं होती, कोई किसी का नहीं होता, वो होता है वो वक्त जब शादी में खाना खुलता है, क्या आप इस बात को मानेंगी? मैं मानती हूँ इस बात को। सही बात है यार, मैं मानती हूँ यार। तो तुम भी जो प्लेट का इंतजार, तो तुम उन लोगों में से हो रुमैसा जो खाना खुलने के बाद पलट पलट के इंतजार करते हैं खाना खुलने का। वैसे भी कुछ शादियां ऐसी होती हैं कि बंदा सिर्फ जाते ही खाने के लिए वहाँ पे। हाँ, कुछ शादी ऐसी होती है कि बंदा जाते ही से खाना खाने के लिए बंदा, और मैंने तो अपने ऐसे मतलब इतने करीबी तो रिश्तेदार होते नहीं, सिर्फ खाना खाने बंदा जाता है वहाँ पे। हाँ, और मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे अपने रुमैसा के, कहते हैं, मैं कहती हूँ ना यार चलो कुछ खाते हैं, यार नहीं यार अब कुछ नहीं खाएंगे, अब खाएंगे तो शादी में खाएंगे, पेट थोड़ा खाली रखना है।
हाँ ऐसे भी होता है. अभी हमारे पिछले वीक जो है ना, लास्ट वीक हमारी एक शादी गई है, तो मैं वहाँ पे गई सिर्फ खाना खाने के लिए. सिर्फ खाना खाने के लिए गई थी, तो डिनर वहीं से करके आई. यार लेकिन देखो जरा, शादी में तक बना तैयार होके जाए. हाँ ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं, खाना खाने जाते ही है ना, सिर्फ खाना खा कर जा ही सकते हैं. और आई थिंक आपका एक एनवायरमेंट भी चेंज हो जाता है, तो आपका जहनी वाला चेंज हो जाता है. सही बात है. अच्छा रुमैसा, वो वक्त जब कहते हैं कि आइए आइए दुल्हन दूल्हा के साथ पिक्चर खिंचवाइए, आपको अच्छा लगता है वो वक्त? नहीं मुझे नहीं इतना, मुझे शौक नहीं है, मैं भाई एक ही टेबल पे बैठी रहती हूँ. एक ही टेबल पे बैठी रहती ना, कोई घूमने फिरने का शौक है? नहीं मुझे शौक है, लेकिन उस टाइम नहीं मेरा दिल कर रहा होता कहीं पे भी जाने का, क्योंकि एक तो मैंने हील पहनी होती है, और ऊपर से मुझे अगर मैं हील किसी दिन पहन लूँ मुझसे चला ही नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है. चलिए लेकिन तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करो हील में चलने की. लेकिन शौक है बहुत, लेकिन बस पहनती, जब पहनती हूँ तो चला नहीं जाता. कितनी कितनी इंच हील होती है तुम्हारी? मेरी इतनी बड़ी नहीं होती, बस मतलब कि 3-4 इंच की होती होगी, लेकिन फिर भी मुझे चला जाता क्योंकि मुझे फ्लैट की ज्यादा आदत है. या फ्लैट्स की मुझे भी आदत है, और हील से चलना इट्स यू नो इट्स वेरी वेरी हार्ड, लेकिन आई थिंक अच्छी एक ही. वैसे आपको बताऊँ, मेरी सिर्फ एक ही जूती है जो हील की है, और बाकी सब फ्लैट्स है, लेकिन फिर भी मुझे उस एक हील की जूती से भी नहीं चला. हाँ लेकिन अगर वैसा अगर अच्छी कंफर्टेबल हील्स हो ना, तो बंदा काम चला लेता है. हाँ कंफर्टेबल तो है, लेकिन जब जिसको आदत ना हो वो नहीं चला सकता. जिनको आदत ना हो वो नहीं चला सकते. चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रुमैसा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. रुमैसा और मैसा बता रही थी कि यार हील वाली जो होते हैं सैंडल जो होती है उनमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. साथ साथ आप लोग का फीडबैक पढ़ लेते हैं. शानजे लिखती है, हेलो हिना, लव योर हेयर वॉश शैम्पू, डू यू यूज, एंड आई वांट टू से दैट आई लव योर शो एंड इट्स टाइमिंग. थैंक यू सो मच शानजे. यार माय हेयर आर नॉट दैट गुड, दे आर डैमेज्ड बैडली, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि नो आई स्टार्ट ऑयलिंग देम अगेन एंड आई हैव टू गेट माय हेयर ट्रिम्ड. तो यस. उसके अलावा आकाश लिखते हैं, नाइस फोन कलर, वैसे ओरिजिनल फोन नहीं, इट्स अ कवर, सो या ये, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर नहीं है मेरे फोन का. मेरे ओरिजिनल फोन का जो कलर है वो है ऑरेंज. अभी जा रहे हैं ब्रेक की तरह, कहीं मजा आइए, देखते हैं ये. स्टिक अराउंड ओनली ऑन ARY म्यूजिक, गर्ल्स रिपब्लिक. वेलकम बैक, यू वाचिंग गर्ल्स रिपब्लिक ARY म्यूजिक, एंड लेट्स यू योर मैसेजेस. अहमद लिखते हैं, यू लुकिंग वेरी नाइस. निजार अली लिखते हैं, हेलो हिना, योर प्रोग्राम इज सो नाइस एंड प्लीज से हाई टू सुमेरा खान एंड सजरा खान. रोहित अब्बास लिखते हैं, टुडे यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस. जासीम खान लिखते हैं, हेलो हिना आपी, हाउ आर यू, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आई एम बिग फैन. मोहम्मद अजब लिखते हैं, हिना आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच. सकलैन लिखते हैं, प्लीज मेरा मैसेज शामिल कर लीजिए. सानिया हसन लिखती हैं, हेलो हिना हाउ आर यू, एंड मेरी फ्रेंड तमन्ना की एग्जाम 24 जनवरी को, सो प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा, थैंक यू. एंड इसके अलावा उमर लिखते हैं, नाइस शो. दानिश लिखते हैं, यू लुकिंग वेरी गुड. नमान लिखते हैं, शो इज ऑसम. एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं, तो आप कर सकते हैं facebook.com/vijaynaltaf पे जाके, एंड कोशिश कीजिए जब हम लाइव जा रहे होते हैं तो मेरी पर्सनल मैसेजेस पे जाके मैसेज ना किया करें. जब मैं स्टेटस अपडेट करती हूँ तो उस पर जाके आप अपने जितनी स्टेटस हैं उस पर जाके कमेंट कर सकते हैं, तो वो ज़रा जो होता है मेरे लिए आसानी हो जाती है. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कोई भी ऐसी फ़नी वेडिंग मेमोरी जो आपको याद हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एक कॉल ले लेते हैं. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, कौन बात कर रही हूँ, कहाँ से? मिस साहिरा गिलगित थुंजर से बात कर रही हूँ. मिस ताहिरा कहाँ से? साहिरा थुंजर से बात कर रही हूँ. थुंजर से. साहिरा क्या हाल है? साहिरा टीवी का वॉल्यूम बंद. साहिरा आई थिंक हमारी कॉल ड्रॉप हो चुकी है. आवाज आ रही है? जी साहिरा मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है. जी हिना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. सायरा आपने पहली दफा कॉल की हमारे शो में? जी मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ. फर्स्ट टाइम कॉल की सायरा, तो फिर आप मुझे बताइए कि जो शादियों में जाती है, आपको शादियों में जाने का शौक है? जी बहुत कम शौक है. बहुत मुझे लगा कहोगी बहुत शौक है. बहुत कम शौक है. और ऐसी कौन सी शादी जिसमें जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता? रिलेटिव के शादियों पे जाने का दिल नहीं करता, बाकी फ्रेंड्स उनके शादियों पे जाने का दिल करता. किनकी? नेबर्स की शादी में?
हाँ रिलेटिव होते ज्यादा नजदीक से रहते हैं। और आपको शादी में सबसे बुरी चीज क्या लगती है, सबसे अजीब सी चीज क्या लगती है जो आपको बिल्कुल दिल नहीं करता करने का? हमारे यहाँ पे ढोल बजती है, वो मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। क्या होती है ढोल? ढोल बजता है यार, ढोल तो वैसे हर जगह ही बजता है। अच्छा मुझे बताओ हुंजा का मौसम कैसा है? हुंजा का आज सही है, कल बर्फबारी हुई थी यहाँ पे। कल बारिश हुई है? बर्फबारी हुई थी। ओए हो, मैं पूछने ही वाली थी कि बर्फबारी होती है नहीं होती, तो मुझे बताओ कि आप एंजॉय करती हो सारा हुंजा का मौसम? हाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, बहुत मजा आता है। और मैंने सुना है कि सबसे खूबसूरत जगह है पाकिस्तान की है। जी जी मैं हम बॉर्डर से मैं बॉर्डर से बात कर रही हूँ, चाइना बॉर्डर लास्ट सोर्स। वेरी गुड यार, तो फिर आप तो अजीब यार, इतने आपके मजे, आप तो सबसे प्यारी जगह पे रहती हो, इतनी नो पोल्यूशन नो नथिंग। जी जी साफ सफाई। हिना मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप यहाँ हमारे एरिया में आ जाए नॉर्थ में। यार तुम एरिया तो ऐसे कह रही हो जैसे नाजाबाद से कुछ जाना होता है। हुंजा गर्मियों में आ जाए मजे, गर्मियों में यहाँ पे बहुत अच्छी मौसम होती है। अच्छी मौसम होती है तो फिर हम जरूर आती है, ठीक है, टाइम निकाल के आती है। ओके ओके अल्लाह हाफिज। यानी सायरा और हुंजा का मैंने बड़ा सुना है कि हुंजा बड़ी खूबसूरत जगह है, नथिया गली का मैंने बहुत सुना है कि नथिया गली बड़ी खूबसूरत जगह है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं नथिया गली जाऊँ, इंशाल्लाह करे अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर जाऊंगी नथिया गली एंड हुंजा भी जरूर होके आऊंगी। लेकिन यह शो करना पड़ेगा वाइंड अप एंड आज का हमारा टॉपिक था फनी वेडिंग मेमोरीज, आके बहुत सारे मैसेजेस भी पड़े, लेकिन आज आखिरी एपिसोड था हमारे इस पूरे वीक का। आपसे मिलेंगे मंडे को सेम टाइम सेम चैनल ओनली ऑन एआरवाई म्यूजिक। टेक केयर एंड बाय बाय।